शिवसेना के दिल में धक धक क्यों हो रही है? शिवसेना प्रमुख को रात में नींद क्यों नहीं आ रही? महाराष्ट्र में नई सरकार के गठन के लिए बेहद कम वक्त बचा है, लेकिन तस्वीर अभी भी पूरी तरह से साफ नहीं है। ना तो शिवसेना और ना ही बीजेपी की ओर से सुलह के कोई आसार दिख रहे हैं। वक्त बीतने के साथ ही प्रदेश में सियासी हलचल भी तेज होती जा रही है। इन सब के बीच शिवसेना बीजेपी पर हमलावर तो है, लेकिन एक डर की वजह से शिवसेना की रातों की नींद उड़ी हुई है। जी हाँ, महाराष्ट्र में जैसे जैसे सरकार बनाने की मियाद खात्मे की ओर बढ़ रही है, वैसे वैसे शिवसेना के दिलों की धड़कनें भी बढ़ती जा रही है। दरअसल शिवसेना को अपने विधायकों के टूटने का डर सता रहा है। इसी डर की वजह से शिवसेना और आक्रामक हो गई है। पार्टी के मुख्य पत्र सामना में शिवसेना ने कहा है कि कुछ लोग नए विधायकों से संपर्क कर थैली की भाषा बोल रहे हैं। शिवसेना ने कहा कि राज्य में मूल्यविहीन राजनीति वो नहीं चलने देगी, इसके लिए शिवसैनिक तलवार लेकर खड़े हैं। शिवसेना ने कहा कि पिछली सत्ता का उपयोग अगली सत्ता के लिए थैलियां बांटने में हो रहा है, पर किसानों के हाथ कोई दमड़ी भी रखने को तैयार नहीं, इसलिए महाराष्ट्र के किसानों को शिवसेना की सत्ता चाहिए। सामना में लिखा गया कि महाराष्ट्र की प्रतिष्ठा धूमिल करके यहाँ पर कोई राज नहीं कर सकता। बीजेपी पर निशाना साधते हुए लिखा गया कि बीजेपी जिस महायुक्ति की बात कर रही है उसमें शामिल कई दलों के लिए एक भी विधायक नहीं। बगैर विधायकों का महामंडल राज्यपाल से मिला और सरकार गठन के बारे में चिंता व्यक्त की। ये चिंता राज्य की कम अगली सरकार में अपनी क्या स्थिति होगी इस पर ज्यादा थी। लेख में आगे ये भी कहा गया कि ये सब मुख्यमंत्री या बीजेपी नेताओं के आशीर्वाद से ही हो रहा है, ऐसा हमारा दावा नहीं है, पर ये यथाकथित वाल्मीकि मानव राज्यों के स्थापना की जवाबदारी अपने ऊपर ही है, ऐसा हवाला देकर बंदर बांट कर रहे हैं। आखिर में शिवसेना ने कहा कि हम सिर्फ मुद्दे की बात कर रहे हैं और मुक्के की बात होगी तो उसका भी उत्तर हम देंगे। आपको बता दें कि विधायकों के टूटने का शिवसेना का डर यूं ही नहीं है। इससे पहले एक निर्दलीय विधायक और उससे पहले बीजेपी सांसद संजय काकड़े भी कुछ इस तरह का दावा कर चुके हैं। इंडिया न्यूज़ पर रिपोर्ट।